दोस्तों आखिरी 3 ओवर में जीत के लिए चाहिए थे सनराइज हैदराबाद को 60 रन, लेकिन फिर आया क्लासेन का तूफान और आखिरी ओवर में रोमांचक मुकाबले में जीता कोलकाता नाइट राइडर्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइज हैदराबाद के बीच खेले गए सांस रोक देने वाले मुकाबले में आखिरकार बेहद ही शानदार तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत मिली। लेकिन दोस्तों इस सांस रोक देने वाले मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएँ कि आपको आंद्रे रसेल की बल्लेबाजी बेहतरीन लगी या फिर लगी आपको हेनरी क्लासेन की। आप हमें कमेंट में अपनी जरूर दें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने, लेकिन गिरा वो पैट कमिंस के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। तो दोस्तों यहां पर सुनील नारायण और फिलिप सेल्ट पारी की शुरुआत करने उतरे कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से, लेकिन यहाँ पर दोस्तों दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर मार्को येंसन के एक कमाल के छक्के के साथ ही पारी का शानदार आगाज कर दिया फिलिप सेल्ट ने। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार भी गेंद को ऑफसाइड की तरफ 6 रनों के लिए स्क्वायर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज कर 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़े। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और मैक्सिमम देखने को मिला, यानी कि 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़े। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर यहाँ पर मिस अंडरस्टैंडिंग हुई सुनील नारायण और फिलिप सेल्ट के बीच और यहाँ पर पहला विकेट गंवाना पड़ा कोलकाता को। सुनील नारायण यहाँ पर रन आउट होकर पेवलियन लौटे। उन्होंने 4 गेंदों का सामना किया और 2 रन बनाकर वो पेवलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर टी नटराजन ने यहां पर पेवलियन भेजा वेंकटेश अय्यर को, मार्को येंसन के हाथों कैच कराकर और दूसरी सफलता यहां पर मिल गई सनराइज हैदराबाद को। वेंकटेश अय्यर 5 गेंदों का सामना करने के बाद 7 रन बनाकर चलते बने। वेंकटेश अय्यर गए तो श्रेयस अय्यर क्रीज पर उतरे, लेकिन वो भी चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर पैट कमिंस को अपना कैच थमा बैठे और एक ही ओवर में नटराजन ने 2 सफलताएँ प्राप्त करते हुए यहाँ पर शानदार वापसी करवा दी सनराइज हैदराबाद बात की। श्रेयस अय्यर अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 2 गेंदों पर 0 पर ही पेवलियन लौटे। इसके बाद 5वें ओवर की 4थी गेंद पर पैट कमिंस की गेंद को नीतीश राणा ने बाउंड्री लाइन के पार भेज कर एक शानदार चौका लगाया। वहीं पर इसके बाद 8वें ओवर की 3री गेंद पर मयंक मारकंडे ने नीतीश राणा को पेवलियन भेजा। नीतीश राणा उनकी गेंद पर रिवर्स स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो अपना कैच बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े त्रिपाठी को थमा बैठे और चलते बने मयंक मारकंडे का शिकार बनते हुए नीतीश राणा भी। नीतीश राणा ने 11 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 9 रनों का ही योगदान दे पाए और वो भी आउट होकर पेवलियन लौटे। इसके बाद रमनदीप क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। एक बेहतरीन चौके के साथ उन्होंने दिखा दिया कि आज वो कुछ अलग प्रकार की पारी खेलेंगे। इसके बाद तो उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की 4थी गेंद पर उन्होंने एक शानदार छक्का रमनदीप सिंह ने मयंक मारकंडे की गेंद पर लगाया, जहां पर लॉन्गोन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 11वें ओवर की 1ली गेंद पर फ्लिप सेल्ट ने भी मार्को येंसन की गेंद पर लॉन्ग ऑफ की तरफ एक चौका जड़ दिया। तो वहीं पर 11वें ओवर की 4थी गेंद शॉर्ट गेंद डाली थी यहाँ पर मार्को येंसन ने, लेकिन रमनदीप सिंह ने उसे सीधे फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और गेंद को 63 मीटर दूर फेंक दिया। इसके बाद 12वें ओवर की 1ली गेंद पर भी शाहबाज अहमद के एक शानदार छक्का रमनदीप के बल्ले से देखने को मिला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, और इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप मात्र 27 गेंदों पर ही पूरी हो गई। वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर की 1ली गेंद पर पैट कमिंस ने रमनदीप सिंह को पेवलियन भेज दिया। यहां पर एक शानदार कैच मयंक मारकंडे ने पकड़ा और समाप्त हुई इस मुकाबले में रमनदीप सिंह की एक शानदार व अद्भुत पारी, जहां पर उन्होंने मात्र 17 गेंदों पर 35 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद रिंकू सिंह क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही मिड विकेट की तरफ एक शानदार चौका जड़ा, कमाल शॉट उनके बल्ले से भी निकला। इसके बाद 14वें ओवर की 2री गेंद पर मयंक मारकंडे की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते ही अपना बेहतरीन अर्धशतक फिलिप सेल्ट ने भी पूरा कर लिया।
इनकी इस शानदार बल्लेबाजी के चलते एक छोर को इन्होंने पूरी तरीके से संभाले रखा, लेकिन इसके बाद 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार मार्को येंसन को वो अपना केस थमा बैठे और फिलिप सेल्ट 40 गेंदों पर 54 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। लेकिन टीम के लिए ये एक महत्वपूर्ण पारी थी क्योंकि उन्होंने एक छोर से कोई विकेट नहीं गिरने दिया था। इसके बाद आंद्रे रसल क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 16वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्का जड़ा। यहां पर उन्होंने स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया। ये एक बड़ा छक्का था 91 मीटर का। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने गेंद को एक बार फिर स्लॉग स्वीप के जरिए ही डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट किया और इस बार 102 मीटर का छक्का जड़ा। जबकि ओवर की 5वीं गेंद पर भी मयंक मार्कंडे के उन्होंने एक और छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया और इस बार गेंद को 96 मीटर दूर भेज दिया। यानी कि इनकी इस शानदार बल्लेबाजी के चलते इस ओवर में तीन बड़े छक्के देखने को मिले। तो वहीं पर इसके बाद 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार की गेंद को भी डीप मिड विकेट के ऊपर से ही 82 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट किया आंद्रे रसल ने। आंद्रे रसल का खौफ अब सनराइज हैदराबाद के गेंदबाजों पर साफ तौर पर देखा जा सकता था। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की बात करें 17वें ओवर की, तो यहाँ पर रिंकू सिंह ने भी ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर आंद्रे रसल ने एक बार फिर गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से ही छक्के के लिए भेजा और 88 मीटर का छक्का जड़ते के साथ ही 24 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। इसके बाद 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर रिंकू ने भी एक शानदार चौका लगाया। तो इसके बाद 19वें ओवर में यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरी गेंद पर शानदार छक्के के साथ आंद्रे रसल ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। आंद्रे रसल की तूफानी बल्लेबाजी रही जहां पर मात्र 20 गेंदों पर ही इन्होंने अर्धशतक ठोक दिया। अर्धशतक के बाद इन्होंने 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार छक्का स्वीप पर कवर के ऊपर से जड़ा भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला और इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 26 रन बटोरते हुए 200 रनों तक पहुंचा दिया 19 ओवर की समाप्ति के बाद ही केकेआर को। लेकिन इसके बाद 20वें ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह अपना कैच थमा बैठे एडन मार्करम को और एक और झटका यहाँ पर केकेआर को लगा। उन्होंने 15 गेंदों पर 23 रन बनाए। इसके बाद 20वें ओवर में एक और चौका देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से अच्छा ओवर रहा क्योंकि इसमें 8 ही रन बने और यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक समय अपने 4 विकेट मात्र 51 रनों पर गंवाए दिए थे, लेकिन फिर भी 208 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। आंद्रे रसल ने 25 गेंदों पर 64 रनों की तूफानी बल्लेबाजी की। वहीं पर दोस्तों इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइज हैदराबाद की तरफ से शानदार शुरुआत करने के लिए तैयार थे राहुल त्रिपाठी और उनके साथ मयंक अग्रवाल। तो दोस्तों यहां पर पहले ओवर में ही शानदार तरीके से एक बेहतरीन चौका यहां पर देखने को मिला 5वीं गेंद पर मिचेल स्टार के मयंक अग्रवाल के बल्ले से, और पहले ओवर में एक वाइड के पंजे के साथ ही शानदार तरीके से 12 रन बटोरे। जबकि दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर मयंक अग्रवाल ने मिड ऑफ की तरफ एक शानदार चौका हर्षित राणा की गेंद पर लगाया। तो इसके बाद मयंक का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। इसी बीच मिचेल स्टार्क की गेंद पर तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका अभिषेक शर्मा के बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर स्टार की गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा मयंक अग्रवाल ने। इसके बाद चौथे ओवर की चौथी गेंद पर हर्षित राणा के एक कमाल का अपर कट शॉट खेला मयंक अग्रवाल ने और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। तो इसके बाद यहाँ पर 5वां ओवर वरुण चक्रवर्ती डालने आए तो इस ओवर में 2 बेहतरीन छक्के देखने को मिले अभिषेक शर्मा के बल्ले से, जहाँ पर उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर स्लॉग स्वीप के जरिए छक्का जड़ा तो ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और कमाल का छक्का जड़ा, जबकि एक चौके के साथ इस ओवर में 18 रन बटोरे और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप 30 गेंदों पर ही पूरी हो गई। लेकिन इसके बाद 6ठे ओवर की तीसरी गेंद पर हर्षित राणा ने मयंक अग्रवाल को रिंकू सिंह के हाथों कैच कराकर पेवलियन भेजा और पहली सफलता दिला दी यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स को। मयंक अग्रवाल काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अंत में 21 गेंदों का सामना करने के बाद 32 रनों की पारी खेलकर वो पेवलियन लौटे, लेकिन टीम को शानदार शुरुआत दिला दी। इसके बाद पावर प्ले की आखिरी गेंद पर एक चौका अभिषेक शर्मा के बल्ले से देखने को मिला और टीम के स्कोर को 6 ओवर में 65 रनों तक पहुंचा दिया।
लेकिन इसके बाद दोस्तों आंद्रे रसल ने 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा को वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच कराकर एक और महत्वपूर्ण सफलता कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को दिला दी। अभिषेक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन 19 गेंदों पर 32 रनों की पारी खेलकर वो पेवलियन लौटे। तो इसके बाद क्रीज पर उतरे एडन मार्करम ने आते ही पहली गेंद पर एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया। उन्होंने आंद्रे रसल की गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर सुयश शर्मा के एक शानदार छक्का राहुल त्रिपाठी के बल्ले से भी देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से छक्के के लिए भेजा। इसके बाद एडन मार्करम बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने उनको रिंकू सिंह के हाथों कैच कराकर पेवलियन भेजा और एक और झटका यहाँ पर सनराइज हैदराबाद की टीम को लगा। 13 गेंदों पर 18 रन बनाकर एडन मार्करम पेवलियन लौटे। तो इसके बाद राहुल त्रिपाठी भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर वो भी अपना कैच हर्षित राणा को थमा बैठे और 20 गेंदों पर 20 रन बनाकर वो भी चलते बने। राहुल त्रिपाठी के आउट होने के बाद अब हेनरी क्लासन के ऊपर थी सारी जिम्मेदारी। तो उन्होंने 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती के एक शानदार छक्का सामने की तरफ साइड स्क्रीन पर लगाया और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद 15वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से देखने को मिला और इस बार गेंद को 78 मीटर दूर उन्होंने स्टैंड में डिपॉजिट किया। इसके बाद आंद्रे रसल गेंदबाजी करने आए तो 17वें ओवर की पहली गेंद पर अब्दुल समद ने उनकी गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज कर इस ओवर को बड़ा ओवर बनाने की पूरी तैयारी कर दी। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने गेंद को एक बार फिर से लॉन्ग ऑन की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब 2 गेंदों पर 10 रन आ चुके थे लेकिन तभी वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ पर 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर अब्दुल समद अपना कैच सीधे वेंकटेश अय्यर के हाथों में थमा बैठे और उनकी पारी समाप्त हुई। उन्होंने 11 गेंदों पर 15 रन बनाए। वहीं पर दोस्तों अब 3 ओवर में 60 रन चाहिए थे लेकिन 18वें ओवर की पहली गेंद पर वरुण चक्रवर्ती के हेनरी क्लासन ने सामने की तरफ एक और शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसकी अगली गेंद डॉट रही लेकिन तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला और इस ओवर की 3 गेंदों पर 2 छक्के लगा चुके थे। वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर शाहबाज अहमद ने भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का लगाकर 18वें ओवर में 3 छक्के जड़कर इस ओवर को पूरी तरीके से 21 रनों तब्दील कर दिया। इसके बाद 19वां ओवर डालने आए मिचेल स्टार्क, जिनसे काफी उम्मीदें थी केकेआर को, लेकिन उनकी पहली ही गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से हेनरी क्लासन ने गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला और इस बार भी डीप मिड विकेट के ऊपर से ही गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया। अब ओवर की चौथी गेंद डालने आए मिचेल स्टार्क, तो इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर 25 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक हेनरी क्लासन ने पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही यहां पर क्लासन की और इनका कमाल का ही ये अर्धशतक था। और अब इस ओवर में 3 छक्के लग चुके थे लेकिन अब आखिरी गेंद शाहबाज अहमद को सामना करना था और उन्होंने भी इस गेंद को कमाल का शॉट खेलते हुए 6 रनों के लिए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए मिचेल स्टार्क के इस ओवर में 25 रन बटोर लिए। अब आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 13 रन सनराइज हैदराबाद की टीम को। तो 20वें ओवर की पहली गेंद जो कि डाली हर्षित राणा ने और इस पर छक्का जड़ दिया क्लासन ने, गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से इन्होंने स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और यहां पर लगा कि अब तो जीत तय है सनराइज हैदराबाद की, क्योंकि अब बची हुई 5 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत थी। तभी यहां पर दूसरी गेंद पर 1 रन लेने में कामयाब हुए क्लासन। तो अब बची हुई 4 गेंदों पर टीम को जीत के लिए चाहिए थे 6 रन लेकिन तभी तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे शाहबाज अहमद लेकिन यहां पर वो सरेश अय्यर को अपना केस थमा बैठे और एक और झटका यहां पर एसआरएच को लगा। यहां पर हम बात करें शाहबाज अहमद की तो 5 गेंदों पर 16 रनों की पारी खेलकर वो पेवलियन लौटे। तो वहीं पर चौथी गेंद पर सिंगल लेने में कामयाब हुए, अब चाहिए थे बची हुई 2 गेंदों पर 5 रन लेकिन स्ट्राइक पर आ चुके थे क्लासन। लेकिन तभी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में क्लासन के बल्ले का किनारा लेकर यहां पर सुयश शर्मा के हाथों में गेंद गई, जहां पर लाजवाब कैच ने इस बेहतरीन पारी को समाप्त कर दिया। 29 गेंदों पर 63 रन बनाकर क्लासन पेवलियन लौटे। अब आखिरी गेंद पर 5 रनों की जरूरत थी लेकिन यहां पर कप्तान पैट कमिंस कुछ नहीं कर पाए और डॉट गेंद रही और इसी के साथ यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस मुकाबले को 4 रनों से जीत लिया। और एक बार तो ऐसा लगा था कि कोलकाता
के हाथ से यह मुकाबला निकल गया, लेकिन हर्षित राणा की शानदार गेंदबाजी ने उन्हें इस मुकाबले में एक बार फिर से जिंदा कर दिया। तो दोस्तों आपको यह रोमांचक मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ।